वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, एक बार फिर मैं हूँ साईं हंडा शोरूम बरेली में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये SP160 बाइक, सामने आप देख रहे हैं रेड कलर में, काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तो जानते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, कितने कलर में अवेलेबल है पहले तो ये बताइए। आपके पांच कलर में अवेल होती है। पांच कलर, आपका रेड कलर आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, सिल्वर है जी, और आपका एक शाइनिंग सिल्वर है, और एक आपका ब्लू कलर में आता है। ब्लू कलर में जी। तो थोड़ा सा इसके बारे में, बाइक के बारे में बताएं। इसमें जो है कि इसका पहली बात, हम लोग वाइजर की बात कर रहे हैं तो एरोडायनामिक वाइजर है जी, जो हवा को काटते हुए आगे निकलती है, जिससे आपको रुकावट नहीं होती है पैदा, तो आप आगे तेजी के साथ निकल सकते हैं। प्लस इसमें क्या है, ABS चैनल है सर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छा, सिंगल ABS है या डुअल ABS? सिंगल ABS है सर। ओके। पीछे का रियर का आपका सिंगल रहेगा जी, वो सॉरी नॉर्मल रहेगा डिस्क, आगे का आपका ABS के साथ, ABS के साथ। प्लस का जो है वो टैंक न्यू बोल्ट डिजाइन के साथ दिया हुआ है, जो बहुत ही आकर्षित करता है कस्टमरों को दूर से देखने में। प्लस का आपका फुल्ली डिजिटल मीटर है, ये चीज आगे मीटर सर, जिसमें आपका टाइमिंग भी आएगी, गियर शिफ्टिंग भी है, RPM है, किलोमीटर है, बाकी यहाँ पे जैसे आप एवरेज चेक, डिजिटल मीटर है। हाँ, एवरेज चेक करना सा है, यहाँ एवरेज का है। अच्छा, बैटरी की बोल्ट दिखाएगी और किलोमीटर कि फ्यूल के हिसाब से कितना किलोमीटर चल सकते, किलोमीटर चल सकते। 160 cc में आपका हेजर स्विच दिया हुआ है, जिसमें आप ये वाला बटन ऑन करने में चारों इंडिकेटर आपके 160 cc। ये देखें आप, हेजार्ड स्विच, LED हेडलाइट भी है, और 3D एम्बलम है इसमें, होंडा में लिखा हुआ सर, 3D एम्बलम जी, होंडा। प्लस इसमें अगर हम लोग टायर की बात करें तो इसका 130 mm का चौड़ा टायर है, 130 mm। हाँ, इससे 130, जिससे आपकी ग्रिपिंग अच्छी बनी रहती है रोड में सर जी। अगर आप जैसे बाइक दौड़ाने में लगे रहने जी, आपने यू टर्न लिया है, मोड़ने में आसानी होती है। हाँ, ग्रिप बनी रहती है रोड के साथ। फिर सर इसमें प्लस आपका मोनोशॉक सस्पेंस है। अच्छा, जैसे आप बाइशन, आपके पीछे पैसेंजर बैठा है, आप ड्राइवर है, आप गाड़ी चला रहे हैं जी, तो जैसे इसमें क्या होता है कि ड्राइवर पीछे वाला भी यू टर्न मतलब हिलता है जी जी, तो उसको देखते हुए उन्होंने मोनोशॉक सस्पेंस निकाला है। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है, इसमें जैसे हम यू टर्न लेंगे गाड़ी का बैलेंस बना रहता है, बना रहेगा सर समान तौर पर, ये चीज़ है। प्लस इसमें स्टाइलिश आपकी टेल लैंप है, जो गाड़ी को और आकर्षक बनाती है, जो दूसरे देखने में और अच्छी लगती है। पहले ये आपकी 125 cc में आती थी, अब कंपनी ने जो है 160 cc में इसको लॉन्च कर दिया है सर। लगभग इसको भी 6 से 7 महीने हुए हैं गाड़ी आए हुए, अभी भी अच्छी। इसका माइलेज क्या होगा? माइलेज सर अगर बात करें माइलेज तो कंपनी जो है 55 का क्लेम करके देती है। अच्छा। लेकिन आपको 50 तक एवरेज आराम से मिल जाएगा इसमें 160 cc में। तो 160 है तो इंजन पावर भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल सर, तो पिकअप भी इसका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अच्छा है खड़े इंजन में। मैं तो कहता हूँ सर एक बार आप शोरूम में आइए और टेस्ट राइड लेके देखिए जी। जब तक आप टेस्ट राइड नहीं लेंगे तो आपको गाड़ी के बारे में पता नहीं लगेगा सर। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इसकी टेस्ट राइड चाहते हैं या फिर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बरेली में ये साईं होंडा शोरूम है, यहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर सामने स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप उस नंबर पर कॉल करके यहाँ पर बात कर सकते हैं। जो स्कीम चल रही है वो 14,999 में है। अच्छा, अगर आपका सिविल स्कोर वही 750 से ऊपर है, 14,999 जमा करके गाड़ी आपको मिल जाएगी। अच्छा, 14,999 सबमिट करके हम बाइक ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको ये बाइक कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें।